उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है और ऐसे में उसके गठबंधन जो सहयोगी हैं उनके साथ वो सामंजस्य बैठाती हुई भी नजर आ रही है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो गया है। तो किसके खाते में कितनी सीटें हैं, चलिए देखते हैं। बीजेपी के खिलाफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव छोटे दलों के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरने की तैयारी में है। इसी के मद्देनजर जिनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में बुधवार को सहयोगी दलों के साथ हुई बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो गया है, जिसमें अखिलेश के साथ प्रसपा मुखिया शिवपाल सिंह यादव, उनके बेटे आदित्य यादव, सुभाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, उनके बेटे अरविंद राजभर, रालोद के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष संजय चौहान, महान दल के मुखिया केशव देव मौर्य, अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल और एनसीपी नेता केके शर्मा शामिल थे। इस दौरान सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ उसके मुताबिक गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल को 30 से 33 सीटें मिलने के आसार हैं। वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को 11 से 13 सीटें जबकि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को 6 से 7 सीटें दिए जाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा महान दल, जनवादी पार्टी और अपना दल में हर एक को 2 से 3 सीटें जबकि एनसीपी व टीएमसी को भी एक एक सीट दिए जाने पर सहमति बनी है। वहीं बुलंदशहर की अनूप शहर सीट से केके शर्मा को गठबंधन का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। वहीं मिर्जापुर की मढ़ियान सीट पर टीएमसी के ललितेश पति त्रिपाठी चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों की माने तो शिवपाल यादव व उनके पार्टी के अन्य चेहरे साइकिल के ही सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल सपा ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करके पहला चुनावी पड़ाव तो पार कर लिया, लेकिन यहां सवाल यही है कि क्या इस बार छोटे दलों के साथ गठबंधन सपा को फायदा पहुंचा पाएगा या फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठजोड़ और 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन जैसा हाल तो नहीं हो जाएगा। बहरहाल इस सवाल के जवाब के लिए हमें 10 मार्च तक का इंतजार करना होगा।